हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे करंट अफेयर का जो सीरीज है वो डेली बेस पे चलाया जा रहा है जिसमें आप सभी लोग को पता ही होगा जो करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका स्पीडी का चलाया जा रहा है इसमें आपको टोटल एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये करंट अफेयर आपको वार्षिकांक दो का है जिसमें आपको यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण यानी जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया ये सब आपका यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है ठीक है इसमें आप देखेंगे जब ये आप बुक डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको बाईस प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो मिलेगा आपका मंथली वाइज देखने को मिलेगा ठीक है तो मैंने हंड्रेड क्वेश्चन समाप्त कर दिया है यानी दो पार्ट में यानी दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा आपको प्लेलिस्ट में यानी बना दिया गया है वहां से आप देख पाएंगे तो आज शुरू करेंगे एक नंबर क्वेश्चन से ठीक है कहाँ शुरू किया जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन से तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा अगर आप पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पी भी डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर करंट अफेयर इस पी का बुक का तो चलिए सेट को शुरू करते हैं क्या है क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 कहता है हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम के स्टॉलिन याद रखिएगा डी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कहता है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौमी रीता शेरपा याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है हाल ही में समता सॉरी हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी है सभी को पता होगा अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुकी है ममता बनर्जी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल आंसर आप याद रखिएगा यानी निशंक चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क सेल्वी नेक्स्ट क्वेश्चन ने है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डिफे, डिफेडर यूरोप ट्वेंटी का शुभारंभ किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्बानिया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एन के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र पंत हो जाएगा यानी आंसर आपका 108 का सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर कहता है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से जी ट्वेंटी देशों के पर्यटन मंत्रियों की जो मंत्रियों की बैठक है वो किस देश में संपन्न हुआ है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यानी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है सभी को पता है थिसारा परेरा कहाँ से हैं यानी किस आ, मतलब देश ब, आ, से रिलेटेड रखते हैं यानी जो आपका क्रिकेट है तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा श्रीलंका से आगे आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विक्रमजीत कंपर कन्वर पाल का निधन हो गया वो कौन थे चलिए बताइए तो आप याद रखिएगा आंसर अभिनेता हो जाएगा यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे 111 का हो जाएगा आगे आते हैं एक नंबर कहता है हाल ही में बीजे यानी पी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर पूछा गया है तो इसका आंसर 112 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा टी रविशंकर आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो ये तीन मई को मनाया जाता है आंसर आपका सी हो जाएगा 114 नंबर कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यानी ओ शुरू की गई है तो इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा भारतीय नौसेना हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है तो करेक्ट आंसर देखा जाए 115 का तो आंसर आपका बी हो जाएगा दो मई को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप सभी लोग याद रखिएगा 16 का यानी 116 सो का आंसर आपका सी हो जाएगा मणिपुर ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर देखा जाए तो एक मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज बजाज चेयरमैन बने हैं कौन तो बजाज ऑटो के अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है ये आपका अवार्ड है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ठीक है तो इसको आंसर आप क्या करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृति कृतिक्रंत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है पर्वत धारा योजना तो आप इस योजना का नाम याद रखिएगा किस राज्य से संबंधित है तो करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यानी ए उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया है वह कौन थे सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सभी लोग इनको जानते हैं रोहित सरगना कौन थे तो करेक्ट आंसर आपका एक का हो जाएगा पत्रकार थे ठीक है आई थिंक मेरे हिसाब से जी न्यूज के ही होंगे ना हाँ जी न्यूज के ही होंगे चलिए आगे देखते हैं हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो 124 का आंसर देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा टी सोमनाथन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बी की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है चलिए बताइए 125 का आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे वैशाली एस हिवासे हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को आंसर आपका यहाँ पे 126 का सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एन यानी एन सी डी एक्स डी के नए एम डी कौन बने हैं एन सी डेक्स तो आंसर याद रखिएगा अरुण रस्ते हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा आगे आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप, गोप सं, संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है तो इसका आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य ने यह शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिपरी कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है तो सही आंसर देखा जाए 129 का तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथनी हॉपकिंस हो जाएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा आगे देखते हैं हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से आंसर करिएगा तो इसका आंसर देखा जाए तो राजेश बिंदल हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे 131 का सी हो जाएगा आगे देखते हैं 132 कहता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है तो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यरूशलम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है तो राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा याद करिएगा तो देखिए इसका उत्तर 133 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कहता है कि हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है वो कौन थे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गायक गायक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है तो इसका सही आंसर 135 का देखा जाए तो ए हो जाएगा पीवी सिंधु आप इनको नोट कर लीजिएगा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड 19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है तो आंसर आपका बी हो जाएगा कोवी सेल्फ आप इसको याद रखिएगा बी आंसर हो जाएगा देखिए कोविड 19 से रिलेटेड बहुत सारा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे वैक्सीन से रिलेटेड हो गया और उसके बाद जो कोविड के यानी जो जो आपका यहाँ पे शुरुआत किया गया था कितने मरीज़ और कौन से राज्य में सबसे पहले ये सब रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो कोविड को पूरा अच्छे से क्लियर करना है चाहे वो वैक्सीन हो चाहे आपका शुरुआत हो चाहे वो आपका कुछ भी हो ठीक है प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 25 अप्रैल को यानी देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कहता है हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ है वो कौन थे तो वो देखा जाए तो संगीतकार थे यानी आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन थर्टी नाइन कहता है हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लान शुरू किया है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिक्किम राज्य ने यह प्लान शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एच बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष कौन बने हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतनु चक्रवर्ती आप इनको नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएटर अटॉर्नी जनरल कौन बनी है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनिता गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 23 अप्रैल को यानी देखा जाए तो 23 अप्रैल को ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हाल ही में नेस कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा मैनन आप इनको नोट करिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का सिक्सटी वर्ष यानी सिक्सटी एट एज के वर्ष में इनका देखा जाए तो उम्र में ही इनका निधन हो गया है तो ये आ, किस देश के राष्ट्रपति हैं ये पूछा गया है तो ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो आंसर आपका यहाँ पे 144 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा टापिट को याद करिएगा ठीक है आगे देखते हैं ये क्या हो गया चलिए आगे देखते हैं अगला है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मैफलोवार फोर हंड्रेड क्या है तो राइट आंसर देखा जाए तो आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज यहां पे आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सिक्सटी एट वे आ, चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका यहां पे सी हो जाएगा अर्जुन कल्याण नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिवर्ष विश्व जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को देखा जाए तो आपका स्थान एक बैलिस्वा हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट अनापूर्णा को फतह करने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन बनी है तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा आंसर आपका प्रियंका मोहिते हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फिफ्टी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक द, लोक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है इक्कीस अप्रैल को यानी आंसर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है डेली आपका ये सेट चलेगा 50 क्वेश्चन के साथ तो आज आपका तीसरा सेट था कल आपका फोर्थ सेट आएगा यानी चौथा सेट ठीक है तो इसको मैं शुरू कर दूंगा बारह या तेरह दिनों के अंदर में खत्म कर दूंगा इसको मैं उसके बाद मास्टर वीडियो आएगा फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या बोलते हैं मंथली करंट अफेयर जो वन लाइनर होता है जनवरी से मैं इसको शुरू कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो करंट अफेयर में आपको बेहतर कर रहा हूँ तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि उनको जो नोटिफिकेशन है वो समय समय से हमेशा मिलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रा